हेलो गाइस, आई एम बैक और आज मैं स्पाइडरमैन खेल रहा हूँ। और इस सिटी के सबसे बड़े डॉन ने पुलिस पे हमला कर दिया है। अब ये स्पाइडरमैन का काम है कि वो उनको जाके बचाए। और गाइस, ये जहन में रखना कि सिटी पे ऐसे हमले बहुत होते रहे और स्पाइडरमैन उनको बचाता रहे, और आज भी ये यही करेगा। पर आज का हमला कुछ अलग है, इन्होंने डायरेक्ट पुलिस पे हमला करा और बहुत बड़ा हमला करा है। तो चले गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, कितने सारे हैं और ये पुलिस पे कैसे हमला कर रहे हैं। पुलिस वाले अपनी जान बचा रहे हैं बेचारे। ये देखो गाइस, कितने सारे हैं। पुलिस वाले बैकअप मंगा रहे हैं पर डर के मारे कोई और पुलिस वाला इनको बैकअप दे नहीं पा रहा। क्या लगता है गाइस, इन्होंने भी अपना बैकअप मंगवा लिया है। ओ नो, अब इन पुलिस वालों का क्या होगा? कहाँ गए ये लोग? ओहो ओ, बच गए पुलिस वाले, बच गए। पर इन्होंने क्या एक्सप्लोजन करना है यहाँ पे? इसके अंदर क्या है? ओहो, एक्सप्लोजन करा है इन्होंने यहाँ पे। हम लोगों को इनको मारना पड़ेगा। हमने इनकी गन्स तो ले ली हैं सारी। चलो गन्स तो ले ली हैं, अब फिस्ट फाइट होगी। डॉज करके काफी अच्छी है फाइटिंग स्किल्स हमारे। ये कोई नहीं बच पाएगा। कहाँ है? ओह, इन्होंने बैकअप मंगवा लिया है। पर बैकअप पे सिर्फ 3 लोग हैं, इनको हम आराम से मार देंगे। ये इनकी हम बुलेट बहुत आराम से डॉज कर रहे हैं और एक को हमने ट्रक पे चिपका दिया है। बस 2 बचे हैं, बस ये और बैकअप ना मंगवाएं। ओहो, और बैकअप भी है। और ये ट्रक के पीछे से भी लोग आ रहे हैं गाइस, और एक ट्रक के ऊपर है। ओहो गाइस, तो बहुत लोग आते जा रहे हैं, काफी लोग आते जा रहे हैं। ये ट्रक के पीछे से काफी लोग आ रहे हैं। क्या है ट्रक के पीछे यार? पर फिकर की बात नहीं है, हम स्पाइडरमैन है और सबको मार रहे हैं। आखिरी बचा है मुझे लगता है, ये भी मर गया। बहुत आसान था गाइस ये। ओ नो, इन्होंने कहीं ब्लास्ट करा है। पता नहीं कितने लोग मरे होंगे, हमें जल्दी पहुंचना होगा वहां पे। जल्दी 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 पहुंचना पड़ेगा, थोड़ा सा ही दूर है। इन्होंने इतना बड़ा ब्लास्ट करा है सिटी के अंदर, सब लोग परेशान है गाइस। वो देखें, पुलिस वाले भी जा रहे हैं उधर। हमें उन पुलिस वालों से पहले पहुंचना पड़ेगा, उनकी भी जान खतरे में हो सकती है। बस पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए। ओह नो गाइस, कितना इन्होंने सब तबाह करा हुआ है इन्होंने, इतना सारा बिल्डिंग के अंदर। गाइस ये फिक्स टावर जो है इसके अंदर है बॉस। ओहो, इनकी ये बेस है गाइस, ये इनका स्ट्रांग होल्ड है। पुलिस वाले इंटर नहीं हो पा रहे, हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी इंटर होने में। गाइस ये हमें बता रहा है कि कहाँ पे है बॉस। ओ नो गाइस, हम टावर के अंदर आसानी से जा सकते हैं क्योंकि हम अपनी वेब यूज करके। फाइनली गाइस, हम टावर के अंदर आ चुके हैं। ओहो, इधर बहुत सारे लोग हैं, बहुत है इधर यार। उनको मारना पड़ेगा, उनको जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा हमें। जो आज तक जुर्म करें उनके सारा, इनका कंप्यूटर पे सब कुछ, इनकी फाइलें सेफ हैं। और हो सकता है कि वो लोग ये सब डिलीट करें, तो हमें जल्दी जल्दी इनको मार के और उन सब फाइलों को सेव करना पड़ेगा ताकि पुलिस इनको जेल में आराम से पहुँचा सके। गाइस इन्होंने बहुत लोगों को मारा हुआ है इधर, और यहाँ पे भी शूटिंग कर रहे हैं। ओहो, बॉम्ब्स भी हैं इनके पास। गाइस इनकी स्ट्रांग होल्ड है, इसलिए लोग आते जा रहे हैं। हमें जल्दी से सबको मार के फिर ऊपर पहुँचना पड़ेगा। ऊपर वाले फ्लोर पे हमें जाना है, पहले इनको ख़त्म करें। इनको यहीं छोड़ के नहीं जा सकते, पता नहीं है कितने लोगों को और मार दें यहाँ पे। गाइस थोड़ा हील कर लेते हैं, हमारी
पावर में से एक है, हम हील कर सकते हैं अपने आप को, तो हील कर लेते हैं। और फाइनली ऊपर आ गए हम लोग जहाँ पे तीन लोग हैं। लिफ्ट भी आ गई है, लिफ्ट में से तीन लोग भी निकले। ओह मरने वाले हैं ये, मर गए मर गए। लिफ्ट भी बंद कर दी है इन्होंने। पुलिस वाले अब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, पर हम लोग कहीं हो, हम लोग लिफ्ट के अंदर से ही जा रहे हो। हम लोग दीवार पे भी चढ़ सकते हैं, तो हम यहीं से जाएंगे ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं पुलिस वालों से। गाइस हम इसके अंदर जाएंगे। गाइस हमें बिल्कुल खामोशी से जाना होगा ताकि हम थोड़ा आगे निकल पाएं। उन लोगों ने हमें डिटेक्ट कर लिया कि हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम पे फायरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम भाग नहीं सकते आसानी से, तो इसलिए हमें चुपचाप जाना पड़ेगा। ये हम पहुँच गए, इससे हम नीचे जाते हैं। ओह गाइस यहाँ पे पुलिस और इनकी फाइटिंग चल रही है। ये बिल्डिंग पूरी भरी हुई है इन लोगों से, बहुत मुश्किल हो रहा है, पर हम लोगों को करना पड़ेगा कुछ। गाइस इनका वो काफ़ी ज़्यादा बैकअप आ चुका है इनका। कितने सारे हैं ये गाइस, कम से कम 10 तो होंगे ये। गाइस हर जगह से फायरिंग हो रही है, हमें बहुत ध्यान से इनको मारना पड़ेगा। ये इस सिटी का सबसे बड़ा डॉन है और आप देख सकते हो कि इसके पास कितने साथी हैं। इसने इन लोगों को अपने साथ रखा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, और ये इसके लिए जान भी दे सकते हैं। इनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। पर हमें उस बॉस को जेल में डालना ही होगा आज, क्योंकि वो बॉस बहुत तबाही फैलाता है रोज़। हमें ऊपर जाना है, वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। ओह नो गाइस, हाँ हम इस रास्ते से जाएंगे, उस तरफ से बहुत लोग हैं, मुश्किल हो सकती है हमें। गाइस इसके नीचे कोई है, पहले इसको मार देते हैं। ओके एक तो कम हुआ। इस वाली बैंड से हम नीचे जाते हैं। ये देखो गाइस, ये टाइम चल रहा है, ये अपनी सारी फाइल्स डिलीट कर रहे हैं। हमें इनको मार के और इस टाइमर को ऑफ करना पड़ेगा। सिर्फ 37 सेकंड्स रह गए। मर गए सब, मर गए। हमें जल्दी से ऑफ करना पड़ेगा टाइमर। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी कि टाइम से पहले ऑफ कर दें। जल्दी जल्दी, ओहो ये हमें धमकी दे रहा है कि यहाँ से चले जाओ। ये डॉन हमें धमकी दे रहा है कि यहाँ से चले जाओ, पर हम इसको जेल पहुँचा के ही यहाँ से जाएंगे। गाइस बस टाइम से पहले हो जाए, मैं बातों में लगाना चाह रहा हूँ। और गाइस ये हो गया, हो गया गाइस, ये हो गया। हमने फाइल सेव कर दी। इसको अब गुस्सा आ रहा है, इसने क्या बैकअप भेजा हमारी तरफ। ओहो गाइस इसने काफ़ी बैकअप भेज दिया हमारी तरफ, हमें इन सबको मारना पड़ेगा। गाइस आराम से मर रहे हैं ये। ओहो काफ़ी डैमेज ले लिया हमने, उन्होंने हमारे पर काफ़ी शूटिंग करी है, पर हमारे पास हील की पावर है तो हम बाद में हील कर सकते हैं। ओह गाइस ये इस बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। एक इनके पास एक और भी तरीका है, अगर ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सारी फाइल्स खुद ख़त्म हो जाएंगी, सारे कंप्यूटर्स वगैरह सब तबाह हो जाएंगे, ये भी चाह रहे हैं। पर हम जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर पर जाके और बॉस को ख़त्म कर देंगे।
अच्छा पुलिस वाले ही हैं। यह पुलिस वाले हमें बता रहे हैं कि तुम हम लोग इनको संभालते हैं और तुम ऊपर की तरफ कंटिन्यू करो, बॉस के पास जाओ, क्योंकि ये लोग बॉस को ख़त्म नहीं कर सकते, सिर्फ हम ही कर सकते हैं अपनी पावर्स यूज़ करके। ओ गाइस इधर काफ़ी लोग ट्रैप हुए हैं, गाइस उधर काफ़ी लोग ट्रैप हुए हैं, हमें इनको ये हटा के इनको निकालना पड़ेगा। निकल गए हैं ये लोग, हमें जल्दी से ऊपर करना पड़ेगा। ओह नो गाइस इधर तो दो लोग बेचारे पत्थर के नीचे आए हैं, उनकी मदद करनी पड़ेगी, बहुत जान लगानी पड़ेगी, फिर ऊपर होगा ये। निकल जाओ निकल जाओ, जान लगानी पड़ेगी और हमें करना पड़ेगा ये, और निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, और ये निकल गए, शुक्र ये निकल चुके हैं। बस हमें कंटिन्यू करना है और जल्दी जल्दी ऊपर जाना है। ओ नो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ओ यार ये रॉकेट लॉन्चर लेके आ गया, हमें इस रॉकेट लॉन्चर को डॉच करना पड़ेगा, और हमने रॉकेट लॉन्चर डॉच कर लिया, इसको जल्दी से मार देते हैं क्योंकि रॉकेट लॉन्चर बहुत डैमेज कर सकता है। शिट हमारी आधी हेल्थ ले चुके हैं, हमें दूसरा रॉकेट लॉन्चर नहीं लगने देना, मर चुका है ये। ये भी मर गया है। ओ एक और रॉकेट लॉन्चर लेके आ गया कोई, वो खड़ा हुआ, इसको भी मारना पड़ेगा। इस गेट के पीछे आना पड़ेगा। हमें जल्दी जल्दी बस ऊपर पहुंचना है, जितनी जल्दी हो सके हमें ऊपर पहुंचना है। ओ नो गाइस इस फ्लोर पे भी ये लोग भरे हुए हैं, बस इस गेट के थ्रू जाना है हमें, और ये पुलिस वाले हमारे साथ देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि इसी फ्लोर पे बॉस है और वो उस गेट के पीछे है, तो ये हमारे साथ चलेंगे अंदर। ये कह रहे हैं कि पहले तुम चलो, तो चलो हम चलते हैं पहले। ओ नो गाइस ये तो उस डॉन के पार्टनर है और ये पुलिस के कॉस्ट्यूम में है यहाँ पे, पर हमारी स्पाइडी सेंसेस ने सब पता लगा लिया है कि हम पे फायरिंग करने वाले थे। गाइस इनको मारना काफ़ी मुश्किल होगा, इनके पास गन्स भी अच्छी हैं और ऊपर से शील्ड्स भी हैं इनके पास, इनको सामने से नहीं मार सकते, इनको पीछे से ही मारना पड़ेगा, इनको जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा, इनको मारना काफ़ी मुश्किल हो रहा है शील्ड्स वालों को, इनको सिर्फ क्योंकि हम पीछे से मार सकते हैं। गाइस हमने सबको मार दिया है, अब हम इस गेट के पास चलते हैं। ओह नो इनका और बैकअप आ चुका है, हमें इनको भी मारना पड़ेगा, बस ये लास्ट था मेरे ख्याल से। देख लूँ पीछे कहीं कोई और तो नहीं है, पीछे देख लेना चाहिए कोई और तो नहीं है। नहीं गाइस कोई और नहीं है, सबको हमने इस फ्लोर पे ख़त्म कर दिया है। हम इस गेट को खोलते हैं और अंदर जाते हैं, और इस गेट के दूसरी तरफ डॉन बैठा हुआ है, और इस सिटी का सबसे ख़तरनाक डॉन है। कहाँ होगा वो डॉन, गाइस ये बैठा हुआ डॉन, और ये क्या गाइस के पेपर पे साइन कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है आराम से बैठ के, इतने लोगों को मारने के बाद ही कितने आराम से बैठा हुआ है गाइस, और ये कंप्यूटर भी यूज़ कर रहा है। बस कुछ देर या आखिरी अपनी दफ़ा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, अब ये जेल में जाने वाला है। ये कहाँ जा रहा है इतनी आराम से, ओ नो इसने अपने आप को शीशे पर कर लिया, पर इसको पता नहीं है कि हम ये शीशा आराम से तोड़ सकते हैं, हमारे पास बहुत पावर है। नहीं यार इसके पास ऑटोमेटिक गन्स भी है, मशीन गन से बचना पड़ेगा, इसने पहले से प्लांट करी हुई थी, हमें इनसे बचना पड़ेगा। और ये हम इस पे मार के देख रहे हैं, और एक ने डैमेज काफ़ी कर दिया और दूसरी वाली ने भी डैमेज कर दिया, और ये ग्लास टूट चुका है। अब हमारी फिस्ट फाइट होगी। गाइस ये बहुत पावरफुल है, आपने देखा ही है कैसे इसने एक हाथ से अपने पूरी टेबल तोड़ दी। इसको हम पहले ट्रैप करेंगे फिर मारेंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं मार सकते, ये ब्लॉक कर लेगा हमारी, इसको पीछे से मारना पड़ेगा या इसको ट्रैप करके मारना पड़ेगा। गाइस हमने इसको काफ़ी डैमेज कर दिया, भागता हुआ आ रहा है, बस ये मरने ही वाला है, इसको हम मार देंगे थोड़ी देर में।
गाइस इस पर हम कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें भी फेंक के मारें ताकि इसको ज़्यादा डैमेज हो और जल्दी से मरे। ये देखो गाइस के सिर्फ दो बंचेस पड़े हैं और इसने काफ़ी हमारा डैमेज कर दिया, हमने हील भी करा। और ये गाइस इसको लगा और यहाँ काफ़ी मार रहा है। ओहो डॉच करो डॉच करो गाइस, इसके अंदर बहुत पावर है, दीवारों के आर पार हमें फेंक रहा है। और ये क्या स्टेप में बैकअप भी मंगवा लिया है, शिट। हम पहले इसके बैकअप को मारते हैं फिर इसको मारेंगे, क्योंकि बैकअप वाले बीच में आएंगे हमारे और कुछ नहीं। पहले जल्दी से इनको ख़त्म करना पड़ेगा, मरने वाले हैं ये सब, बस ये दो तीन ही रह गए। ओ हो ही अपने आप अपने पार्टनर्स को ही मार रहा है। ओहो इसने बहुत मुश्किल से, ओहो इसने हमारा गर्दन पकड़ लिया, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से और ये हम बच गए। इसको ट्रैप करके इसको मारते हैं। ओहो इसने हमें पकड़ लिया, ओहो हमने डॉच तो कर लिया पर इसने तब जोरदार मुक्का मारा है कि दीवार टूट गई है। और ये हम ये नीचे से जाते हैं और इसको ऊपर से, इसको पता भी नहीं है, हमने इसको धक्का दे दिया नीचे। और ये इसको पंच मारा है। बस गाइस ये ट्रैप हो चुका है, हमने इसको हरा दिया है। अब बस हमारा काम पूरा हो चुका है, पुलिस देखेगी क्या करना है इसके साथ। ये पुलिस इसको जेल में लेके जा रही है। ये इधर का सबसे बड़ा डॉन है, आसपास सारे मीडिया वाले खड़े हैं, इसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। गाइस ये हमें धमकी दे रहा है कि बाहर आके हमें छोड़ेगा नहीं, पर हम इसकी किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं है, हमने इससे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा है। ये बहुत गुस्से में इस वक्त क्योंकि हमने इसको जेल डाल दिया और इसको उम्र कैद भी हो सकती है। चलो यार गाइस आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।